हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी फूडी विद मंजू। तो आज हमने बनाई है तोरई की चटनी। तो चलिए चलते हैं तोरई की चटनी बनाने के लिए। तो तोरई की चटनी बनाने के लिए हमने तोरई ली है, तो ये बिल्कुल फ्रेश तोरई है। इनको हम अभी खेत से तोड़ कर लाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी तोरई को भून लेंगे। तो हम अपनी तोरई को अंगीठी पर भूनेंगे। तो इस पर मैंने अभी दूध गर्म किया था, तो इसमें भी आँच है, तो इसी में हम अपनी तोरई को भून लेंगे। तो हम अपने एक एक करके तोरी को आंच में दबा देंगे। आप चाहे तो ना गैस पे भून सकते हो, लेकिन जो भूबर में भुनी हुई तोरी की जो खुशबू आती है वो और भी अच्छी आती है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी तोरी को दबा देंगे और इन्हें ऊपर से कवर कर देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि बिल्कुल कच्ची तोरी है तो ये जल्दी भुन जाएंगी। और इसी तरह से हम अपनी सारी तोरी कवर कर लेंगे। तो जब तक हमारी तोरी भुन रही है, तो तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन कॉल करना ना भूलें। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी तोरी को चेक कर लेते हैं। तो हमारी तोरी बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। अब हम अपनी सारी तोरी निकाल लेंगे आज से। एक बार आप इस तरीके से तोरी की चटनी बनाकर देखो, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग आएगा। तो हमने अपनी सारी तोरी बाहर निकाल ली है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इन्हें हम पानी से साफ कर लेंगे ताकि इनकी सारी मिट्टी अलग हो जाए। तो हमने अपनी सारी तोरी पानी से साफ कर ली है। अब इन्हें हम छील लेंगे। तो अब हम इनको ऊपर से हल्का हल्का सा छील लेंगे। तो हमने अपनी सारी तोरी छील ली है। तो अब चलते हैं हम चटनी बनाने के लिए। तो हम चटनी बनाएंगे सिल पर। आप मिक्सी में बना सकते हैं, लेकिन सिल की चटनी का टेस्ट ये लगाता है। तो हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हींग। तो मैं इसमें थोड़ी हींग और डाल रही हूँ, आप इसमें पिसी हुई हींग भी डाल सकते हो। अब हम अपने मसाले को पीस लेंगे। तो हमने अपने मसाले को पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अपने मसाले को और बारीक सा पीस लेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से पीस चुका है। इसमें डालेंगे हम टमाटर और हरी मिर्च। तो मैंने 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च लिए हैं। आप इसमें लहसुन प्याज भी डाल सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। लेकिन हम पितृपक्ष और नवरात्रि में लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं करते, तो हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। तो हमने टमाटर और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक पीस लिया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी तोरई और तोरई को भी बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। तो हमने तोरी को भी अच्छे से पीस लिया। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच दही। दही से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमने अपनी तोरी की चटनी पीस ली है। तो ये हमारी तोरी की चटनी बिल्कुल तैयार है। तो आप भी एक बार इस तरीके से तोरी की चटनी बनाएं और इंजॉय करें, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है।